नमस्कार, आज हमारे साथ है निर्मल कुमार पारिक जी, जिन्हें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी नवाजा गया है। तो निर्मल जी, एक बार मैं आपसे खुद आपके शब्दों में सुनना चाहता हूँ कि जो इतना बड़ा आपको अवार्ड मिला है, इसका कारण क्या है? देखिए, मैं साइंस ग्रेजुएट, लेकिन मेरा जो शौक रहा वो टाइप मशीन से पता नहीं क्यों लग गया, और मैंने सर्विस के दौरान और बाद में टाइप मशीनें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब डिफरेंट टाइप की टाइप मशीनें इकट्ठी करने लगे तो एक लैंग्वेज की बातें भी आई, कई लैंग्वेज की थी टाइप मशीनें, तो फिर लैंग्वेज वाली भी हमने डिफरेंट लैंग्वेज भी यूज़ करने लग गए। गुजरात से हैं तो हमको गुजराती भी ला दो, तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक रोल नज़र आया तो हमने गुजराती करी। इसी तरह तेलुगु की भाषा में भी, और सुभाष चंद्र बोस की जब जन्मभूमि की बात आई उधर की, तो हमने बंगला की भी टाइप मशीन इकट्ठी करी। तो यूँ बढ़ गया। इसके बाद में ज्ञान आया, जब मिलते मिलते कबाड़ियों से इनसे ये चीज़ें हम लेते गए, तो ये आया कि ये तो बहुत तरह के मॉडल हैं, और सबसे बढ़िया मॉडल वो हैं जो पोर्टेबल्स हैं। तो मेरा रुझान पोर्टेबल्स के ऊपर ज़्यादा हो गया, और मैंने पोर्टेबल्स को ज़्यादा कलेक्ट करना शुरू कर दिया। पोर्टेबल्स में बहुत अच्छी वेरिएशंस मिलने लगी। अब इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश में भी कई तरह की टाइप मशीनें होने लगी। तो जब उसकी एज के बारे में उसमें जाने लगे, तो पता लगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार में खंदकों में साइलेंट टाइपराइटर यूज़ होता था, उसकी आवाज़ नहीं होती थी, टाइप करते थे तब। तो मैं उसको ढूंढने में लग गया, तो मुझे सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइपराइटर भी मिल गया, और उसी से रिलेटेड उसके नज़दीक सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, उस टाइम की कलेक्शन भी मेरे पास हो गई टाइप मशीनों में। सर, आपको कितने टाइम हो गया, मतलब ये कलेक्शन करते हुए, लगभग अंदाज़ा? मेरे को 25 साल से ऊपर हो गए हैं। 25 साल से मैं इन मशीनों को कलेक्ट कर रहा हूँ। सर्विस में था, इकट्ठी करके रख देता था। बाद में रिटायर हुआ, उसके बाद मैंने इनको संभाल के सब कुछ करके बैठे ठाले अपना टाइम पास करने के लिए, अपने रिटायरमेंट को अच्छा करने के लिए मैंने बाद में ये चुना कि मेरे कलेक्शन को संवारता गया। मेरे कलेक्शन में टाइप मशीन के अलावा रेडियो भी हैं, मैकेनिकल घड़ियां भी हैं, फोटोग्राफी के लिए कैमरे भी हैं, लेकिन वो भी नायाब हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार से स्टार्ट होके। ज्ञान जब मिल गया पुरानी चीज़ों पे जाने का, तो वो ज्ञान हमने इस तरह से अर्जित कर लिया, और एग्जीबिशन भी लगाते हैं, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, वर्ल्ड रेडियो डे, तो जिस तरह से होता है। तो रुझान जैसे हुआ तो वैसे आइटम बढ़ते गए। सर, आपकी बातें सुनकर मैं खुद देखना चाहता हूँ उन चीज़ों को, कि उसमें दिमाग में आता है कि ऐसी चीज़ें कैसी दिखती होगी आज, क्योंकि पुरानी चीज़ों को कलेक्शन कर पाना बहुत मुश्किल है। तो हमारे दर्शक भी बहुत उत्सुक होंगे इन चीज़ों के, तो आप हमें दिखा सकते हैं? आप ज़रूर देखिए, बराबर रूम में अलमारियों में सारी लगी हुई रखी हैं, सजी हुई रखी हैं, और टाइम मिले तो आप टाइम दें तो हम इनको डिस्प्ले करें, लेकिन अभी तो ये कवर्ड। सर, अभी मैं आपके वो रिकॉर्ड जो है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में देख रहा था कि आपके पास सबसे वजनी टाइपराइटर भी यहाँ पर मौजूद है। जी हाँ, सबसे भारी और सबसे लाइट वेट। तो सबसे भारी तो दिखा दूंगा, लेकिन 2 किलो का जो वजन का टाइपराइटर है, उसकी खासियत क्यों बनाया साइंटिस्टों ने, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे जाएंगे वहाँ भारी टाइपराइटर की ज़रूरत नहीं, तो उन्होंने लाइट वेट यूज़ एंड थ्रो बनाया, और वो लाइट वेट टाइपराइटर ये है 2 किलो का। सर, ये अभी भी काम कर रहा है? जैसे ये अभी भी काम कर रहा है, और इसके बाद खोजते खोजते और हल्के टाइपराइटर पे मैं ढूंढने लगा, तो मुझे 700 ग्राम का टाइपराइटर भी मिल गया। ये 700 ग्राम का टाइपराइटर है, ये 6 लैंग्वेजों में टाइप कर लेता है। बस फर्क ये है, इसमें बड़े पेपर की जगह रिबन निकलता है, 3 लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। सर, आप बता सकते हैं लगभग ये जो 2 किलो वाला प्रिंटर है, ये कितना पुराना होगा?
ये मेरे पास जितने भी मशीनें हैं कोई भी 50 साल से कम की नहीं है। सर बहुत बड़ी बात है कि अभी भी एकदम न्यू लग रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों एकदम न्यू लग रहा है, मतलब कोई भी नहीं बता सकता है कि पुराना होगा। बटन एकदम अच्छे तरीके से अभी काम कर रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो सर इसके जो 24 किलो का आप टाइपराइटर बता रहे थे, ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये टाइप मशीन 24 किलो वजन की है और हिंदी की है, ये टेली प्रिंटर कहलाता है, ये फैक्स की तरह काम करता है। जोधपुर में लगा होगा, एक यहाँ लगा होगा, टेलीफोन से लाइन मिलाएंगे, यहाँ टाइप करेंगे जोधपुर में छपेगा, जोधपुर में टाइप करेंगे यहाँ छपेगा। ये जनरली प्रेस में काम में आते थे बहुत ज़्यादा, प्रेस का सारा काम इस पर चलता था। सर ये अंदाजन कितना पुराना होगा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उस जमाने में सबसे इन्हें 50 साल तो हो गए, टीवी आते ही बंद हो गए ये सब, धीरे धीरे फैक्स मशीनें आ गई ये बंद हो गए, और अब हमारे लिए कबाड़ में संयोगने के लिए कलेक्शन करने के लिए हो गए और हम इनको कलेक्शन कर लेते हैं। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर प्रिंट टाइपराइटर लिखे रखे हुए हैं, जैसे कि काफ़ी पुराने बॉक्सेस भी वहाँ पर है आप देख सकते हैं। इसके अलावा इधर आप नज़र डालें तो अलग डिफरेंट कलर्स में भी यहाँ पर टाइपराइटर है, जो कि बहुत ही यूनिक है, बहुत ही पुराने हैं। जैसा कि सर ने बताया कि कोई भी चीज़ 50 साल, ये टाइप मशीन अमेरिकन है और इसके अंदर अक्षरों की 32 ही चेंज हो जाती है, जिस भाषा की चाहिए वो लगा लीजिए और उसी भाषा का हो जाएगा, क्योंकि बाहर के देशों में अंग्रेजों में 2-3 तरह की लैंग्वेज चलती है, तो इसमें एक इसके अक्षरों की रिंग होती है चेंज हो जाती है, तो ये उसी भाषा का हो जाता है। और सर इसके अलावा ये जो ऊपर बॉक्स पड़ा है ये बहुत ही पुराना लग रहा है दिखने में। जी हाँ, इनके अंदर सारी टाइप मशीनें सिक्योर हैं और जो टाइप मशीन डिब्बे में रह गई उसकी लाइफ बन गई, खुले में रह गई उसमें वियर एंड टीयर ज़्यादा हो गया। ये सब आपको दिखाएंगे, कभी अवसर मिला तो सबको खोल के, तो आपको 2 दिन चाहिएंगे कम से कम। तो बबलू जी, मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि वो एक बार सारे टाइपराइटर जो हैं वो कवर करें, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ बहुत ही एंटिक, बहुत ही यूनिक है, किसी भी चीज़ को ना दिखाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है यहाँ पर।